शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल सरसा में वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर शीला पूनिया इंसा ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उप प्रधानाचार्य सीमा छावड़ा इंसा ने की। इस अवसर पर प्री नर्सरी से लेकर 9वीं व 11वीं कक्षा की छात्राओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान टच हाइट कंपटीशन का फाइनल परिणाम भी जारी किया गया। इस दौरान कंपटीशन के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट व ट्रॉफी तथा कक्षा में प्रथम रहने वाली छात्राओं को ट्रॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। वहीं साल भर की मेहनत का फल पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और सभी ने अपनी अध्यापिकाओं और स्कूल प्रिंसिपल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर शीला पूनिया इंसा ने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षा व आशीर्वाद से स्कूल की छात्राएं खेलों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बुलंदियों को छू रही हैं, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। उन्होंने कहा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ इंसानियत, मानवता व संस्कारों की शिक्षा भी छात्राओं को दी जाती है, ताकि भविष्य में वे बुद्धिमान के साथ एक अच्छे व नेक इंसान भी बन सकें। पहले मैं अपने डॉक्टर एम एस जी को इस बात का क्रेडिट देती हूँ, श्रेय देती हूँ कि जिनकी वजह से स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और एक आउटपुट आया। बड़ी देख के हैरानी है कि प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी बच्चे आए हैं, एक एक क्लास में पांच पांच बच्चे फर्स्ट हैं, पांच पांच बच्चे सेकंड हैं, थर्ड हैं, तो ये सब उन्हीं की रहमत का कमाल है। और सबसे बड़ी बात कि प्री नर्सरी नर्सरी के बच्चों ने महज 3-3 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और ऐसे 7 बच्चे हैं स्कूल के और बड़े थोड़े समय में उन बच्चों ने रिकॉर्ड बना डाला। और टच हाइट्स में भी कमाल हो गई कि फर्स्ट राउंड सितंबर में था और सेकंड राउंड फाइनल में था और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का जो है एग्ज़ाम लिया गया। 5 महीने बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया और 2 पेपर बच्चों ने ऑफलाइन दिए। और जिन बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं उन सब बच्चों को हमने कैश अवार्ड दिए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल CBSE करिकुलम के साथ साथ GK जनरल नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चा प्लस टू के बाद जो ये फील्ड है जिसको हर पेपर में टच किया जाता है, बच्चा उसको 6th क्लास से यहाँ पर जान रहा है। और मैं सभी टीचर्स को और मैनेजमेंट को बधाई देती हूँ कि उनके अथक प्रयास से ही आज हम इतना सफल हो पाए हैं। और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गुरुजी को देती हूँ कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसके साथ ही जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट हमें जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।